तो चलिए फटाफट से डिब्बे को ओपन करते हैं। तो डिब्बे को ओपन करने के लिए हमें यहाँ से कुछ इस टाइप के हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे सबसे पहले हमें जो बॉक्स में देखने को मिलता है वो है एक मैनुअल, यूज़र मैनुअल कार्ड। डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ वारंटी कार्ड वगैरह भी देखने को मिल जाता है। तो यूज़र मैनुअल की आपको पढ़ने के वैसे पढ़ लेना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप ये मेरा बिल देख सकते हो, ये मैं आपको लास्ट बताता हूँ कि मुझे ये कितने का पड़ा है। यूज़र मैनुअल को साइड में रखते हैं और बॉक्स को निकालते हैं बाहर की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम इस बॉक्स को साइड में रख देते हैं। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये कुछ इस टाइप में आता है आप देख सकते हैं। और इसके थर्माकोल्स को अगर हम साइड में कर देते हैं तो फिर हमको कुछ इस टाइप की चीज़ें, इसके थर्माकोल्स को साइड में कर देते हैं तो ये इस टाइप के कुछ प्लास्टिक रैप में आपको देखने को मिल जाता है। अभी इसे निकालते हैं बाहर की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इसे एक से दो बार यूज़ किया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा कुछ दाग वगैरह दिख रहा होगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट आपको इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, और अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके वायर से, जो कि डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे फ्रेंड आपको 60 एम्पियर का वायर देखने को मिल रहा है। तो ये आप गौर कीजिएगा कि आपके किचन में 60 एम्पियर का जो सॉकेट होना चाहिए वो बहुत ही मस्त है, अदरवाइज आपको एक कन्वर्टर लेना पड़ेगा इसके साथ। तो वायरिंग को साइड रखते हैं, अभी हम ओपन करते हैं। तो फ्रेंड अभी हम चालू करते हैं, इसके सारी चीज़ों को बताते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे प्लेट मिलेगा, ये जो प्लेट है फ्रेंड वो होता है सेरेमिक का प्लेट, और यहाँ पे आपको सेरेमिक प्लेट्स मिल जाएगा जिसमें आपको बीच में एक स्टिकर लगा हुआ है जिसपे आपको डूज एंड डोंट्स सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या क्या यूज़ करना है और क्या क्या नहीं यूज़ करना है। उसके साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिए, तो यहाँ पर आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा कि नोट द सेरेमिक प्लेट इज़ नॉट आफ्टर कुकिंग, सॉरी यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा नोटिस लिखा हुआ है दोस्तों, द सेरेमिक प्लेट इज हॉट आफ्टर कुकिंग, प्लीज डू नॉट टच विथ योर हैंड। यानी जब आप इस पर कुकिंग करते हो तो यहाँ पे ये जो सेरेमिक प्लेट है वो गर्म हो जाती है, ये बीच वाला हिस्सा जो वाइट के अंदर का हिस्सा है। तो प्लीज़ आप जब भी यूज़ करते हैं उसके बाद इंस्टेंट आप इसे टच करने की गलती मत करिए, अदरवाइज आपका हैंड जल सकता है। तो अभी हम इसके फंक्शंस पे आते हैं, थोड़ा बहुत फीचर्स के बारे में, बटन्स वगैरह आप दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑन बटन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको पावर ऑन और पावर ऑफ का बटन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो बटन्स हमें देखने को मिलते हैं फ्रेंड वो है एक मैनुअल टाइप का बटन है, जो कट कट की आवाज़ आ रही होगी आप गौर करिए, तो इस टाइप के मैनुअल बटन्स हैं। आपको यहाँ पर एक टच पैनल वाला भी एक मॉडल आता है जो थोड़ा सा महंगा था, 1000 रुपये। तो मुझे लगा कि उसमें पैसे वेस्ट जा रहे हैं मेरे, क्योंकि केवल टच पैनल के लिए 1000 रुपये वेस्ट करना मुझे लग रहा था कि बहुत कोई मतलब नहीं बनता है उसका। अभी सबसे पहले आपको यहाँ पर पावर बटन के नीचे एक बटन मिलता है टाइमर का। अब टाइमर का बटन क्या है ये मैं जब सॉकेट से इसे कनेक्ट करूँगा तब आपको बताता हूँ। उसके बगल में एक टेम्परेचर का बटन मिलता है, उसके बगल में आपको एक पावर प्लस और माइनस का बटन देखने को मिलता है, बीच में आपको LED डिस्प्ले एक देखने को मिलती है जिसपे सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर मेंशन होते रहेंगे। उसके ऊपर अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक पैरामीटर पैनल टाइप का देखने को मिलता है, जहाँ पर कीप वार्म से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 270 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ पे पूरा पैरामीटर दे रखा है, और 120 वाट से लेकर 2000 वाट तक का अलग अलग पॉइंट शो कर रहा है। तो इसको कैसे यूज करते हैं सारी चीज़ें आपको सॉकेट से कनेक्ट होने के बाद बताते हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा साइड में जाएं तो यहाँ पर आपको कुछ और बटन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको बॉयल का बटन देखने को मिलता है। इस बॉयल का बटन ये है कि जब भी आप कोई पानी वगैरह इस पर डालते हो उबालने के लिए तो आप इस बटन का यूज़ कर सकते हो। उसके नीचे आपको करी का बटन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि जब आप करी वगैरह बनाते हो, एक्चुअली फ्रेंड ये सारे प्रीसेट्स हैं, जैसे अगर आप करी बना रहे हो तो आप करी वाले बटन को दबा दोगे तो ये सारी फंक्शंस जो है ना वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको बार बार उसको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बगल में आपको चपाती का बटन देखने को मिल रहा है, जब रोटियां वगैरह बनाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर फ्राई का बटन है, फिर स्टेयर फ्राई का बटन है, फिर डीप फ्राई का बटन है, फिर सूप का बटन है, और फिर हॉट पॉट का बटन है। तो यहाँ पे अलग अलग बटन्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं।
अभी बात करते हैं इसके आगे की तरफ, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, अभी इसके साइड में आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड अगर आप गौर करिए तो आपको साइड में कुछ भी खास चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पे कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं। दूसरी तरफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको कुछ इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन मेन चीज़ है दोस्तों यहाँ पीछे की तरफ। तो यहाँ पे आपको एक फ़ैन देखने को मिलता है, मैं बोलूँगा एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक फ़ैन देखने को मिलता है, इसके अंदर फ़ैन लगा हुआ है जो कि जब जब तक आप इसे इस्तेमाल करोगे वो रेगुलर फ़ैन चलता रहेगा और वो कॉयल को रेगुलर ठंडा करता रहता है। तो आपको इसमें ज़रूरी होता है दोस्तों कि हर कुछ दिनों बाद, 10 से 15 20 दिन के इस्तेमाल के बाद, आपको इस फ़ैन को, फ़ैन वाला जो वेंट है, इसे अच्छे से ब्रश से क्लीन करना चाहिए। अब ये फ़ैन के लिए आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे इनलेट भी देखने को मिलेगा, यहाँ से फ़ैन जो है एयर लेता है और यहाँ से एयर को रिलीज करता है, तो कॉयल रेगुलर ठंडा होता रहता है। तो अभी थोड़ा सा आपको बताते हैं ये सारी चीज़ें। अब आपको इस स्टिकर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि इस स्टिकर में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा करीब आते हैं हम, तो यहाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ पे डूज एंड डोंट्स में आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मिल रहा है टोटल वेट, यानी आप इस पर 6 किलो से ज़्यादा का वेट इस्तेमाल मत करिए, अदरवाइज ये सेरेमिक प्लेट टूट सकती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि लोहे या चुंबक, स्टील या फिर तेल या कुकवेयर जैसे किसी भी आधार पर इसको मत रखिए। मतलब आप इस इंडक्शन को लोहे के जैसे मेज वगैरह पे रख के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसने डायरेक्टली मना कर रखा है। उसके बाद ये वही चीज़ जो सो हर समय हवा के वेंटिलेटर को साफ होना चाहिए और धूल गंदगी से बंद ना होने दे, यानी वेंटिलेटर को आपको हमेशा साफ करते रहना चाहिए। उसके बाद से दिया है दोस्तों LPG गैस सिलेंडर के, गैस स्टोव के नियर बाई इसको नहीं रखना चाहिए आपको, ये इसके मतलब थोड़ा सा कुछ घातक साबित हो सकता है। तो इसलिए आप भी ध्यान रखिएगा कि LPG जहाँ पे आपका गैस होगा उससे थोड़ा सा दूरी पे रखिएगा। केवल फ्लैट या समतल स्थान, समतल वाले बर्तनों का ही इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। आपको पता है इंडक्शन के लिए अलग से बर्तन आते हैं, वो कौन से बर्तन हैं वो सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये जो प्रोडक्ट है मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, अगर ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हूँ तो प्लीज़ आप लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे पूछ भी सकते हैं यहाँ पर आपको। और अभी बताते हैं अगले वाला, यहाँ पे पावर स्विच बंद होने तक कूलिंग का फैन चलता है। अगर आप यहाँ से जब ऑफ कर देते हो तो पावर स्विच बंद होने तक कूलिंग का फैन चलता है। तो जब तक फैन चल रहा है तब तक आप पावर स्विच को ऑफ ना करें, इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है। खाली बर्तन का इस्तेमाल इसके ऊपर ना करें। और उसके बाद दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर उपकरण को, ये जो सेरेमिक प्लेट है इसके ऊपर जब ये गर्म होता है तो आप अगर पानी डाल के सोचते हो उसे साफ कर दें तो उस समय ये सेरेमिक प्लेट चटक सकती है, तो आपको इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंडक्शन कुकर का उपयोग करने से पहले अनुदेश पत्रिका को पढ़ें, यानी मैनुअल इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना जरूरी है। वैसे मैंने सारी चीज़ें बताई दी हैं तो पढ़ने की जरूरत कुछ खास है नहीं। तो अभी बात करते हैं दोस्तों कि ये प्रोडक्ट मुझे पड़ा कितने का है, तो मैं आपको सीधे बिल ही दिखा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दूसरी चीज़ों से क्या ही बात करना है। सीधे आप बिल देखिए और बिल पे आप देख सकते हैं फाइनली दोस्तों जो मैंने पे किया है वो है थोड़ा सा, फाइनली जो मैंने पे किया है वो है 3385 रुपये। यहाँ पे 3385 रुपये मैंने इस इंडक्शन के लिए पे किया है जो कि मैंने लिया था दिवाली ऑफर में। मैंने इसे धनतेरस पे लिया था फ्रेंड, इसलिए मैंने इसे ऑफलाइन मार्केट से लिया था। अगर आप लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। ऑनलाइन अमेजन पे आपको काफी अच्छे डिस्काउंट के साथ, अगर आप कार्ड वगैरह का डिस्काउंट लगाते हो तो बहुत ही अच्छे रेट पे आपको ये इंडक्शन कुकर इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ये था दोस्तों पूरा का पूरा अनबॉक्सिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इंक्वायरी हो तो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो। उसके अलावा दोस्तों इसको मैं सॉकेट से कनेक्ट करके अगले वीडियो में आपको बताता हूँ कि इस पर मैं किस किस तरह के इस्तेमाल करते हैं बर्तनों को, किस तरह से आप घर के पुराने बर्तनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नए बर्तन में आपको कौन से बर्तन खरीदने पड़ेंगे, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी।